बोलूंगा, लेकिन 85% से ज्यादा लोगों का आप जो हाल बनाया है उस लेबोरेटरी से आया हुआ वो, इसलिए मैं मेरी पहचान दे देता हूं, मैं गुजरात से। और अभी जो सरकार शासन में बैठी है वो टोटली SC ST और OBC के अगेंस्ट में जा रही है। हमारे गुजरात में सबसे पहले शुरू हुआ आउटसोर्सिंग फ्रेंचाइजी, उसकी वजह से हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। आज 399 के परिपत्र से आके सबरवाल का जजमेंट आया, उसके बाद गुजरात में जो हाल हुआ वो इतना खराब है कि हाल के समय में हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिलती। और जिन लोगों के पास नौकरी है और जो प्रमोशन में आगे निकलने वाले हैं उनको भी रोक दिया जाता है, उसका एनुअल रिपोर्ट बिगाड़ दिया जाता है, बिना वजह का उसको चार्जशीट दिया जाता है। ऐसे कई लोग हैं, आज चीफ इंजीनियर बन सकते थे लेकिन ऐसी SC ST और OBC की अगेंस्ट मेंटालिटी होने की वजह से हमारे लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो जहां नीतियां बनती है वहां हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो हम हमारे लोगों को प्रोटेक्शन कैसे देंगे? हमारे आदिवासी लोग 16% है गुजरात में, पूरे भारत में 8% है, 15% हमारे SC भाई हैं और 55% OBC समाज है, और 14% जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं वो थोड़े जागरूक हैं। अभी 8% आदिवासी लोग हैं जो जाग रहे हैं और OBC समाज अभी तक जागा नहीं है। अगर हम ये तीनों कम्युनिटी के लोग जाग गए हैं, SC ST OBC और साथ में माइनॉरिटी आ जाती है, तो 85% लोग, 85% से भी ज्यादा लोग 49% में कॉम्पीट करते हैं और 13 या 14% भारत की पॉपुलेशन 51% के लिए प्रतिनिधित्व करती है। ये सिचुएशन हाल की सरकारों ने हमारे दिशा बिगाड़ने के लिए की है, तो उसको समझते हुए हमें SC ST और OBC किसी भी वर्ग का हो, माइनॉरिटीज है, सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम हमारे समाज को आगे ले जा पाएंगे। नहीं तो हमारी हालत, हम हजारों सालों से मजदूरी करते आ रहे हैं, उससे भी बदतर हालत हमारे होने वाली है, वो हमें सोचनी है। और इसके इससे हम कैसे निकल पाए उसके बारे में सोच के पॉलिटिकली और लीगली फाइट करके हमें हमारा समाज को जस्टिस दिलवाना है। इतनी मेरी बात रख के मैं मेरी बात को विराम देता हूं। आप लोगों ने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया और सुना, इसके लिए मैं आपको सलाम करते हुए जय हिंद बोल के मेरी वाणी को